कि जीवन का सच्चा सुख अगर हमको आपको सबको प्राप्त हो सकता है तो केवल भगवान नाम में ही है। एक बार बड़े बड़े साधु संत महात्मा अमलात्मा बिमलात्मा परमहंस ऋषि तपस्वी ज्ञानी जति सन्यासियों ने अपने मन में दिव्य विचार किया कि संसार सागर की इस जगत में चलकर के पूछा जाए। भैया जो बच्चे यहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं ना उनको शांत कराए हैं, एकदम पीछे जाए पान डाल के वहीं जाके शोर मचाओ। बड़े बड़े दिव्य संतों ने महात्माओं ने ऋषियों ने आपस में विचार किया संसार सागर में चलो ढूंढा जाए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुख किसको मिला है, किसके जीवन में सुख है। तो सबसे पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि एक जगह पर एकत्र होकर के जो बहुत गरीब लोग थे उनके पास गए, जो दीनहीन लोग थे, किसी तरह से 24 घंटे में भोजन की व्यवस्था होती थी, जिनके यहाँ ठीक से न रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, न सोने की व्यवस्था, यानी बहुत असहाय दीनहीन गरीब लोग जो थे उनके पास महात्मा गण पहुंचे। महात्माओं ने कहा भगवान की कृपा से सुंदर मनुष्य का तन मिला है, यह मानव तन पा करके क्या संसार सागर में सुखी हो। तो जितने दीनहीन लोग थे ना सब ने सर हिला दिया, मनुष्य का तन तो मिल गया लेकिन जीवन में सुख नहीं मिल पा रहा है। महात्माओं ने पूछा संसार सागर में सुखी कौन है, तो जो बेचारे दीनहीन थे ना उन्होंने कहा जिनके पास संपदा धन ज्यादा है, अधिक धनवान व्यक्ति जो है वो सुखी है। तो महात्माओं से दीन दुखियों ने कहा कि दीन कहे धनवान सुखी, अधनवान कहे सुख राजा को भारी। जब दीन दुखियों के पास पहुंच गए दीन दुखियों ने कहा जिनके पास धन ज्यादा है वो सुखी है, जो धनवान व्यक्ति है। महात्माओं ने जाके धनवानों से पूछा भगवान की कृपा से मनुष्य का तन मिल गया, धन भी मिल गया, क्या सुख मिला। तो जितने धनवान थे वो सब भी सर हिला दिए, धन तो मिल गया लेकिन सुख नहीं मिल पाया। तो तुम्हारे दृष्टि में संसार सागर में सुखी कौन है, तो धनवान लोगों ने कहा जो राजा गण है जिनके पास बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा है वो ज्यादा सुखी है। तो साधु संत महात्मा सब राजाओं के पास पहुंचे, चलो राजाओं से पूछा जाए। तो दीन कहे धनवान सुखी, अधनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तो जो राजा गण थे उन्होंने कहा महाराजा सुखी हैं, जिनके पास मुझसे भी ज्यादा बड़ा पद है, प्रतिष्ठा है, धन दौलत है, नौकर चाकर हैं, वो ज्यादा सुखी हैं। तो बड़े बड़े राजाओं के पास महाराजाओं के पास संत जब पहुंचे तो उन महात्माओं ने जब उन राजाओं से पूछा महाराजाओं से पूछा संसार सागर में राजा भी बन गए हो, धन दौलत की कोई कमी नहीं, बढ़िया भगवान की कृपा से मानव तन मिल गया, तो क्या सुख मिला। तो जितने राजा महाराजा थे सबने कहा भी सुख नहीं मिल पाया, क्या कमी रह गई आपकी दृष्टि में संसार सागर में कौन सुखी है। तो महाराजा जो थे उन्होंने कहा दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी प्राणी कोई है तो जो देवताओं का राजा है, राजा इंद्र। तो महात्माओं ने कहा चलो चल के इंद्र से पूछा जाए। सारे संत महात्मा ऋषि सब इंद्र के पास पहुंच गए कि दीन कहे धनवान सुखी, अधनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अजय राजा इंद्र से पूछा गया संसार सागर में सुख मिला, भोर लोक भुआ लोक स्वाह लोक जनाह लोक तपाह लोक सत्य लोक वैकुंठ, सात लोग ऊपर हैं पृथ्वी से और सात लोग नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 14 भुवन की सम्राट, देवताओं के भी राजा, राजा इंद्र के पद पर आप प्रतिष्ठित हो, क्या संसार सागर में सुखी हो। तो राजा इंद्र ने भी सर हिला दिया, मुझे भी सुख नहीं।
तो संसार सागर में सुखी कौन है? तो कहा जो ब्रह्मा जी हैं वो ज्यादा सुखी हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े राक्षसों ने तप करके इंद्रासन ही ले लिया, तो राजा इंद्र को चिंता होती गई हमारा इंद्रासन न चला जाए। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं राक्षस गण जाके, तो ब्रह्मा जी ज्यादा सुखी हैं, जो चाहते हैं सबको वरदान दे देते हैं। तो महात्मा लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से पूछा गया, ब्रह्मदेव चार मुख है। अच्छा जरा विचार कीजिए, हमारे आपके एक मुख और ब्रह्मा जी के चार मुख, यानी हमसे आपसे चौगुना ज्यादा बुद्धि भी ब्रह्मा जी के पास है। बोली भक्तवत्सल भगवान की, जब चार मुख हैं तो चौगुना बुद्धि भी होगी। ब्रह्मलोक में महात्मा गण पहुंच गए, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव भगवान की कृपा से चार मुख मिला है और सारे संसार की रचना कर के कारण आप, दुनिया को बनाने वाले आप हो, संसार सागर में सुखी हो। तो ब्रह्मा जी ने भी सर हिला दिया, कहा मुझे भी सुख नहीं मिल पा रहा, मैं भी सुखी नहीं हूं। तो लोगों ने कहा ब्रह्मा जी से कि अच्छा आपकी दृष्टि में संसार सागर में सुखी कौन है? तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी, यानी ब्रह्मा जी, चतुरानन ब्रह्मा जी। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, संसार सागर में सबसे ज्यादा सुखी कोई है तो भगवान विष्णु है। संत महात्माओं ने कहा चल करके भगवान विष्णु से पूछा जाए कि संसार सागर में सुखी हो। तो उन्हीं संतों की टोली में तुलसीदास बाबा भी विराजमान थे। तुलसीदास जी ने कहा देखो हम लोग दीन के पास गए तो उन्होंने कहा धनवान सुखी हैं, धनवान के पास गए तो कहा राजा सुखी हैं, राजा के पास गए तो कहा महाराजा सुखी हैं, महाराजाओं के पास गए पता चला राजा इंद्र सुखी है, इंद्र के पास पहुंच गए तो पता चला ब्रह्मा जी सुखी हैं, अब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए तो ब्रह्मा जी कहते भगवान विष्णु सुखी हैं, अब अगर भगवान विष्णु के पास भी जाएंगे तो हो सकता है कोई विष्णु जी भी बहाना बना दे, इसलिए अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब मैं पंचांग खोल करके और ये विचार करके बताऊंगा कि दुनिया का सबसे सुखी प्राणी कौन है। तो तुलसीदास जी ने विचार करना प्रारंभ किया, तो विद्वानों ने महात्माओं ने कहा कि तुलसीदास बिचारी कहे कि हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। संसार सागर में जिसके पास भगवान के नाम का भजन नहीं है और भगवान की कथा नहीं है वही संसार सागर का सबसे दुखी प्राणी है। बोली भक्तवत्सल भगवान की।